आत्मजीत सिंह साहब, जरा आपसे मैं एक चीज पूछ लू, क्योंकि आप किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान आंदोलन, इन सबसे आपका वास्ता है। छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी में, मतलब मेरे कोई घर में व्यक्ति है, कोई जानने क्या मेरे घर में आते हैं कोई, उनका कहना था कि 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था तो वो धान कटवा के उन्होंने रख लिया था, और उन लोगों को यह था क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया है कि हम एमएसपी के इस धान पे 2500 शायद उस समय था, और उसके बाद उन्होंने ले भी लिया, मतलब कांग्रेस सरकार जब आई तो ले लिया गया, तो वो शायद एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी कि जो कहे वो करते हैं। शायद अकेले बहुत कम राज्यों में होगा जहां छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एमएसपी की दिक्कत नहीं है, एमएसपी से ऊपर ले रहे हैं वो। और दूसरा जो गोबर, जिसमें इन्होंने कहा ना गोठान, इन लोग बोलना हम लोग उसको गोबर बोलते, गोबर जो खरीद का है वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश हो सकती है, किसी भी स्कीम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन मूल रूप से एज अ किसान नेता मैं आपसे ये जरा समझना चाहूंगा, ये दो चीजें आप लोग अपने उसमें मीटिंग में डिस्कस नहीं करते हैं कि भाई वाई क्यों नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल, अगर एक गुजरात मॉडल है जो 10 साल चला के सबने देख लिया, तो छत्तीसगढ़ मॉडल किसानों के लिए क्यों नहीं? आत्मजीत सिंह साहब जी नमस्कार। आनंद वर्धन जी, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में जब सरकार आई थी भूपेश बघेल की, तो उन्होंने कहा था कि वो धान 2500 रुपए में खरीदेंगे, उन्होंने खरीदा। उसके बाद जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उसमें ये गोबर की या उसकी बात आई कि ये भी खरीदारी की जाएगी, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके चीजें बनती हैं जो खेती में वापस यूज होती हैं, तो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो उसमें फिर उस स्कीम में लोगों को ऐसा लगा कि भाई ठीक है, चलो एक रिसाइकल हो रहा है और उसे चीजों का जो है आदान प्रदान हो रहा है, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मेन बात ये है कि जहां तक किसानों का मसला है, किसानों को उनकी माकूल कीमत किसी भी स्टेट में अभी तक गुंजाइश नहीं है कि चीनी मिल के मालिक जो है वो समय से गन्ने की पेमेंट कर दें या धान की पेमेंट टाइम से मिल जाए। अब धान की परचेज जो है एफसीआई के जो आपकी एमएसपी पे परचेज होती है, वो ज्यादातर या तो पंजाब या हरियाणा में है या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी जो कानून था, प्राइवेट मंडी का कानून था, वो संगलित था जब तक बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद जो गवर्नमेंट मंडियों के कानून में खरीदारी का जो अभी तक जो है वो क्लैरिटी नहीं आई है। सिर्फ गेहूं की खरीद है जो एफसीआई के रेट पे होती है, बाकी तो सिर्फ प्राइवेट मंडियों में ही माल बिकता है, और बिहार में भी मंडी का कानून नहीं है आप जानते हैं, और अब नीतीश कुमार ने प्रॉमिस किया है कि वो बिहार में भी मंडी का कानून लेकर आएंगे। उसके अलावा मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ तेलंगाना का। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार ने एक बड़ा अच्छा मॉडल दिखाया कि जो भी युवा है और वो अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो 10 लाख रुपए का एक समय का योगदान उस किसान परिवार के बेटे को या किसी मध्यम परिवार के बेटे को जिसके पास नौकरी नहीं है और वो सेल्फ हेल्प से अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो वो एक मॉडल मुझे ऐसा लगा कि वो बीजेपी अपना बीआरएस का मॉडल जो है वो कांग्रेस की तमाम रूल स्टेट में, छत्तीसगढ़ में भी वो मॉडल लगना चाहिए। जैसे कि धर्मराज जी ने बताया कि किस तरीके से ट्राइबल्स का सांप्रदायिकता के नाम पर उनको बांटा गया, डिवाइड किया गया, पर उनके उत्थान का, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो काम है वो बड़ा ही कठिन है, और वो बीजेपी की सरकार तो, रमन सिंह की सरकार तो बिल्कुल नाकामयाब रही, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम थे माइनिंग के, बॉक्साइट के, कोल के कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिलाने के, और आपने देखा अभी आर्थिक मुद्दों पे जब हम अगले सेशन में बात करेंगे तो उस पे अदानी कोलगेट की भी बात होगी। तो ये जो पूंजीवाद का जो जो ट्राइबल एरियाज में, खासकर फॉरेस्ट एरियाज में जो इंटरफेरेंस है, और ये जो फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई है 1980 के, जिसमें कहा गया है कि जो उस टाइम पे 1980-83 तक अगर फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं थे तो उनको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अदानी के कोल प्रोजेक्ट्स को, इनका एक प्रोजेक्ट आपका छत्तीसगढ़ में भी है जिसके बगल में पूरा फॉरेस्ट एरिया लगता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मना भी किया कि इसको आप कोल ब्लॉक में नहीं दे सकते, पर फिर भी उसको 15 कोल ब्लॉक में डाला गया, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में और झारखंड में जिस तरह बिजली के रेट डबल दिए गए कंज्यूमर्स द्वारा, और उसी पैसे से फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं जिससे एमएलए की खरीदो फरोख्त होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास क्लियर मेजोरिटी थी, वहां पे एमएलए की खरीदो फरोख्त नहीं हुई, पर ये सारा ड्रामा आपने देखा मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटका में 2018 में खेला गया। तो कहने का मतलब है पूंजीवाद से पैसा कमाना और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके देश की जनता जो आपका वोट देती है
और उस वोट का, उस संविधान का जो है आप अगर सम्मान नहीं करते और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके आप एमएलए को खरीदते हैं और पॉलिसीज को चेंज करते हैं, तो उससे जो वोटर का मैंडेट है या उनका जो क्लियर मैंडेट है कि डेमोक्रेसी में जिसको चुने वही सरकार चलाए, तो उसको जो सुपर सीट करने का काम है, ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी कोशिश की जा रही है, और जहां कुछ नहीं बचता वहां ईडी सीबीआई आईटी को पीछे लगा देते हैं कि इनको, इनका प्रताड़न करो, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिनको, जिनके ऊपर झूठे केस डालकर ताकि वो सच ना बता सकें और डायरेक्ट फैक्ट फाइंडिंग करके जो है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ना दे सकें, ये एक लीपापोती की जाती है नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया में, एक नरेशन चलाया जाता है और उस नरेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इनसे समझदार, इनसे वैचारिक और देश को साथ लेके चलने वाला और दूसरा कोई नेता नहीं है। तो ये नरेशन पब्लिक को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे इनके एक्सपोजर्स भरेंगे, बढ़ेंगे और जिस तरीके से इनके प्रायोजित कॉरपोरेट्स देश की संपदा का, देश के ट्राइबल्स का, देश के फॉरेस्ट का नुकसान कर रहे हैं, वो सब जो है सामने आ जाएगा। नू में भी जो दंगा हुआ था वो भी सोना में, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है एमएल खट्टर की सरकार को और उसमें नू का दंगा कराया गया कि वहां से मुसलमान सारे भगा दिए जाएं, वो माइनॉरिटीज को भगा दिया जाए और उन पहाड़ों पे जो है सरकार का कब्जा हो जाए। तो ये जगह जगह हर स्टेट में आप देखेंगे तो ये आपको रेप्लिकेशन मिलेगी। जी,